बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। राशिद हिजाजी थिंक टैंक के साथ। नाज़रीन, अब हम क्या सोचें और क्या बोलें? बोल रही है अपोजिशन, बोल रही है हुकूमत, और सोचने के लिए अवाम रह गए। लेकिन अवाम भी क्या सोचें जो खुद परेशान है। अवाम को परेशानी में मुबतला कर दिया गया है और हुक्मरान और अपोजिशन आपस में सर पटवल में लगे हुए हैं। खुदा का कुछ खौफ करें। खुद ही आप कहते हो जी मुल्क बहरान में है, खुद ही कहते हो बड़े नाजुक सूरत हाल है, फिर अवाम को आप किस किस्म का सबक दे रहे हो, किस तरह की आप फ़ज़ा पैदा कर रहे हो? देखिए, अपोजिशन और हुकूमत एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों पहियों को चलना चाहिए और उसलूब से चलना चाहिए, वरना दचके जब लगते हैं तो फिर हादसा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे खाका बदन कि हम किसी हादसे की तरफ जाएँ। लेकिन जो बातें हो रही हैं वो कोई नेक शगुन नहीं है, उससे कोई अमन और चैन की सिचुएशन नहीं मिल रही है, बल्कि लग ही रहा है कि जैसे हालतें जंग में हैं। बल्कि यहाँ तक कि एक दूसरे को दुश्मनी के लेवल पर ट्रीट किया जा रहा है। देखें, जमहूरियत का जब नाम लेते हैं तो जमहूरियत में अपोजिशन का हक है कि वो हुकूमत पर तनकीद करे, और हुकूमत का फ़र्ज़ ये होता है कि वो अपोजिशन की बातों को सुने। और ऐवान में दोनों, ख्वा वो अपोजिशन के लोग हों ख्वा वो हुकूमत के लोग हों, वो अवाम के लोग वोट लेकर पहुँचे हुए, वो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन अवाम को पसे पुश डाला हुआ है, अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं और लड़ाई में इस कदर मगन हो गए हैं कि उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बना लिया गया है, और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि दुश्मनी के लेवल पर ले गए हैं। ये हमारी पहली बात होगी जिस पर आज हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ जुज़वी तौर पर और बातें होंगी, लेकिन अहम तरीन एक बात ये भी है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी तौर पर सूबा डिक्लेयर किया गया है, तो जीबी को ये अबूरी सूबा बनाने के की ज़रूरत क्यों पेश आई है, और कहीं इसको कबूल किया जा रहा है, कहीं मुसरत किया जा रहा है, इस पर आज बात होगी। और इसके साथ साथ बातों से जो बातें निकलेंगी वो भी हम साथ लेकर चलेंगे। तो आज हमारे पैनलिस्ट हैं जनाब मलिक यासर पतवाली साहब, हैं पीटीए की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सदर हैं शमाली पंजाब पीटीआई वेलफेयर विंग के, और मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं, बड़ी ही एक मोतबर हमारी गेस्ट हैं। और मैंने मोतबर इसलिए कहा है कि इनकी बातों में मुझे एक सच्चाई और सदाकत अपनी पार्टी असलूब के हवाले से महसूस होती है कि जो जुड़ी हुई हैं और कमिटेड हैं, और बड़े एक सुलझे हुए अंदाज से भी और दबंग अंदाज से भी अपनी पार्टी की तर्जमानी करती हैं, मोहतरमा शाजिया रिजवान साहिबा। और बतौर तजिया नागा हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं जनाब यासर नज़र साहब। मैं अपने मेहमानों को वेलकम करता हूं और गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। ये जो गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने का फ़ैसला किया गया है, कहीं कबूल किया गया, कहीं मुसरत किया गया, तो पीटीआई की हुकूमत में ये फ़ैसला हुआ है, इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद जाकर जीबी में इसका ऐलान किया है, क्यों ज़रूरत महसूस हुई जनाब मलिक यासर पतवाली साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया एजाजी साहब। सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने बड़े इम्पॉर्टेंट इस इशू पर इजहार ख्याल का मौका दिया है। देखें, गुजारिश ये है कि इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहले दिन से एक ही मौक़ रहा है और उनका एक ही नस्बोलैन है कि पाकिस्तान के अवाम को जहाँ तक भी मुमकिन हो तो उन्हें जो सहूलतें हैं, जो उनके हकूक़ हैं, उनकी दहलीज तक दिए जाए। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। जीबी को सूबे का स्टेटस जो दिया गया है, अभी तक तो अबूरी ये आर्डर हुआ है, जिससे ना सिर्फ जीबी में लोगों का जो लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम होंगी, उनके हालात ज़िंदगी जो हैं वो बेहतर होंगे, और लोगों को जो उनके हकूक़ हैं, जो उनकी उनकी मुश्किलात हैं वो हल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और ग्रास रूट लेवल पे जाके लोगों को ये मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा सहूलत मैसर आएगी कि अब उन्हें इस्लामाबाद या केपी में पेशावर आने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ उनके जो मसले हैं वो वहाँ पर उनके हल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत का ये ज़बरदस्त इकदाम है, और इसको सियासत की नज़र से नहीं देखना चाहिए। लोगों की मुश्किलात और लोगों के बेहतर जो फलाह बहबूद है उनकी आसानियों के हवाले से अगर आप देखें
तो मेरे ख्याल में बड़ा ही मुनासिब है। और जहाँ तक इसका पाकिस्तान के आईन या यूनाइटेड नेशन में हमारा जो स्टांस है जीबी के हवाले से, तो बिल्कुल वो सारी चीज़ों को सामने रख के तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने बड़ा ही मेरे ख्याल में मुदब्बिराना और वक्त के ऐन वक्त पे फैसला किया है। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्तों में जीबी के जो अवाम हैं उन्हें आसानियाँ होंगी, उनके लिए वो खुशहाल होंगे और तामीर और तरक्की का जो सफ़र है जो रुका हुआ था वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेगा। जी आप मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रही हैं मोहतरमा शाजिया रिजवान साहिबा, आपकी पार्टी की तरफ से बल्कि पूरी अपोजिशन की तरफ से इस फैसले को मुस्तरद किया गया है। इवन के जो आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म हैं आपकी पार्टी के, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि हम इसको मुस्तरद करते हैं, नहीं मानते हैं। तो इस फैसले को, जीबी को जो अबूरी सूबा बनाया गया है और जैसा कि पीटीआई की तरफ से कहा गया कि वहाँ के लोगों को इंतज़ामी सहूलतें फराहम करने के लिए और उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए ये एक अहम फैसला किया गया है, तो आपकी पार्टी की तरफ से इसकी पुरजोर मुखालफत क्यों की जा रही है और क्यों मुस्तरद किया गया है इस फैसले? शाजिया रिजवान। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, और थैंक यू सो मच। और जैसे आपके लिए बल्तिस्तान की बात हो रही है तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मौजूदा हुक्मरान दावे और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर जाते हैं और वहीं से पास जाके यू टर्न वापस ले लेते हैं। तो इमरान खान एक सब्ज बाग दिखाती हैं लोगों को जो पाया तकमी तक नहीं पहुंच सकते, ये तो इन्होंने ऐलान कर दिया है। और कल इन्होंने एक ट्वीट किया कि हमने गिदिर बलिस्तान को एक सूबा बनाना है, और साथ ही दो घंटे तीन घंटे के बाद ट्वीट रिमूव हो गया। इट्स मीन के उनकी टांगें फिर से कांप रही हैं और वो फैसले तो बड़े बड़े मुंह से निकाल लेते हैं लेकिन फैसला तो कर रहे हैं नहीं, और ये किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं है। गिलगित हमारे एक बड़ी आबादी रखने वाला एरिया है और वहाँ पे जिस हमेशा से मुस्लिम नून की गवर्नमेंट रही है, आपको पता है जिस वहाँ एक बारी अक्सरियत है, और ज़ाहिर इमरान खान को ये चीज़ थोड़ी अनसिक्योर फील हो रही है कि वहाँ पे एक सूबा बना के लोगों की हमदर्दी और लोगों की वोट बैंक हासिल करने के लिए ये चीज़ तो करें लेकिन वो दरामद नहीं कर सकें क्योंकि वहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं उस पर बात नहीं की उन्होंने, उस पर उस इशू को नहीं उठाया उन्होंने। तो ये शायद मैं तो अपनी पार्टी के साथ इस चीज़ पर मौके पर कायम हूँ कि ये नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी बतौर तजिया कार जनाब यासिर नज़र साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा और अहम तरीन नुकता ये है कि आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान के आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कोई इस किस्म की ऑप्शन मौजूद है कि आइनी तरमीम के बग़ैर ही सूबा बना लिया जाए, और अगर ये आइनी तरमीम के बग़ैर सूबा बनाया गया है तो फिर सवाल इसकी आइनी हैसियत का तो बरकरार रहता है, क्या कहते हैं आप? शुक्रिया जय साहब। सबसे पहले तो देखेंगे सियासी जमातें ही मुतफिक नहीं हैं, अगर हुकूमती पार्टी मुतफिक है ये तो एक अलग ज़ाविया है, लेकिन अभी भी जो जीबी के लोग थे वो इस्लामाबाद एहतजाज करने आ रहे थे, इसी इशू पे एहतजाज करना चाह रहे थे कि जीबी को जो सूबा बनाया जा रहा है क्यों बनाया जा रहा है, चाहे वो अपोजिशन के कहने पर कर रहे हों या अपनी ज़ाती उनको लग रहा हो कि वहाँ टेक्निकल ग्राउंड पर ये सूटेबल नहीं है। सबसे पहले वहाँ के अवाम का जो है वो राज़ी होना एजाजी सब ज़रूरी है। जहाँ तक टेक्निकल ग्राउंड की ज़रूरत बात है तो खान साहब ने अब अपनी तरफ से एक ऐलान कर दिया है, अब फैसला कर रहे हैं कि जी हमने सूबा बनाना है। सूबा बनाने के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पे अब इलेक्शन देखें चंद दिन बाकी रह गए हैं तो उससे पहले उन्होंने इस मामले का ऐलान किया है। तो ये एक हमें तो लग रहा है कि एक सियासी जो स्टांस होता है वो है, और दूसरा जहां तक ग्राउंड्स की बात की जाए तो सियासी तौर पर अगर पीटीआई यहाँ पर गवर्नमेंट में है सारी चीज़ों में है तो यहाँ पर सूबा बनाने में वहाँ पे उनको कोई किसी किस्म का मेरे ख्याल से इश्यू नहीं होगा। दूसरी ये चीज़ सबसे बुनियादी चीज़ जो वहाँ के लोगों की एग्री है, जो रजामंदी है वो ज़रूरी है। मुराद सईद साहब जा रहे थे, हमने देखा कि वो भी कह रहे थे कि अब मैंने जीबी जाना है, जीबी का वफद यहाँ आया हुआ था, लेकिन वो भी इस चीज़ पर अपने तहफ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे कि जो सूबा बनाने वाला मामला है इस पर मसाइल पैदा होंगे। इसी तरह अपोजिशन की तमाम जमातें चाहे वो यहाँ वफाक में बैठी हों जो गिलगित को हैंडल कर रही हों सारी चीज़ें, वो भी इसके अगेंस्ट है। तो फिलहाल ये एक सियासी स्टांस तो है लेकिन टेक्निकल ग्राउंड पे आलमी दुनिया को भी एक नेगेटिव मेरे ख्याल से जो इम्प्रेशन है वो जाएगा कि एक पाकिस्तान का हिस्सा जीबी में मसाइल क्या थे, किस वजह से सूबा आप बनाने के लिए बात करें। हुकूमत अपना सियासी स्टांस तो कर गई है, कोशिश किया उन्होंने कि अब फौरी तौर पे इस पे बात करें, लेकिन यहाँ सियासी तौर पर क्या फायदा पहुंचेगा इमरान? सियासी तौर पर अब उन्होंने वहां जाके ये बात की है कि मैं सूबा बना रहा हूँ, अब इलेक्शन से चंद दिन पहले आप देखें मतलब आप समझते हैं कोई इंतखाबी हरबा है
फिलहाल तो हमें तो यही लग रहा है ग्राउंड्स पे, अगर यही चीज पहले होती या इलेक्शन से बहुत पहले होती या बहुत अरसा बाद होती फिर तो हम कह सकते थे कि ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल है, लेकिन फिलहाल एजाजी साहब इलेक्शन गिलगित के हों, कश्मीर के हों, वहाँ पे यहाँ पे जितनी भी सियासी जमातें हैं वक्तन फवक्तन वो यही कोशिश करती हैं कि जब मौका मिले जहाँ मौका मिले कोशिश करें कि वहाँ से वो इलेक्शन लाजमी तौर पे जीतें, क्योंकि यहाँ जब हुकूमत ख़त्म होती है तो वहाँ पे हुकूमत रहना लाजमी होता है, चाहे कश्मीर में हो चाहे गिलगित में हो। तो ये मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है तो ये चीज़ नज़र आ रही है जी। आप क्या कहते हैं मलिक यासिर साहब कि ये एक इंतखाब जीतने के लिए या आपके वजीर आजम ने वहाँ गिलगित जाकर ये ऐलान किया है, ये इंतखाबी हरबा है ये? देखें एजाजी साहब, अपोजिशन का हमेशा यही काम होता है कि वो साफ दूध को फूंक के मारें और कोई अच्छी चीज़ है तो उसमें से भी कीड़े निकालें। इन अपोजिशन का यही काम होता है कि तनकीद। मैंने पहले गुजारिश कर दी है कि इसको सियासी नुक्ता नज़र से या इस ऐनक से ना देखें, मेहरबानी करें, देखें कि लोगों का वहाँ जो जो मसाइल हैं, लोगों के जो मुश्किलात हैं, वहाँ पे लोगों को फ़ायदा कितना होगा, लोग वहाँ पे तरक्की जो डेवलपमेंट है। पहले आप जनाब की केपी आते हैं, पिशावर आते हैं, वहाँ से आपके मसले मसाइल हल होते हैं, वहाँ से सारी फंड वफाक करता आगे। आप तो इससे पहले भी तो एक सूबा ही है, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे गवर्नर मौजूद है जीबी में, चेंजिंग उसमें कौन सी की है जो नुकसानदेह है पॉलिटिकल पार्टियों के लिए? ये ना करें कि इंतखाब के मौके पर इलेक्शन हो रहे हैं और वैसे भी कानूनी तौर पर इलेक्शन जो रूल्स हैं उसके तहत तो पाबंदी होती है सरकारी, मतलब उनके जो वज़रा होते हैं, यहाँ तो वज़ीर आज़म चले गए हैं कि वहाँ इंतखाब पर असरअंदाज होने के लिए कम्पेन में ना जाएँ, तो इंतखाब के ऐन दौरान वहाँ पर जाकर वज़ीर आज़म का ये ऐलान करना तो ये इंतखाब पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है क्या समझते हैं? अगर एजाजी साहब ऐसी कोई बात है, अगर कोई इलेक्शन रूल या ज़ाबता अखलाक के मुतसादिम कोई चीज़ है तो अपोजिशन पार्टियों को चाहिए वो जाएँ इलेक्शन कमीशन चले जाएँ। इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसने कभी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, उसने कभी अपनी जाती इस हवाले से कभी भी कोई ऐसा एक्ट नहीं किया। अभी मेरी बहन थोड़ी देर पहले बता रही थी कि इमरान खान का यू टर्न और इमरान खान की जनाब फिर कोई टांगे कांपने वाला, तो टांगे कांपना पता नहीं उस वक्त इनकी कितनी थी। मैं आपको बताता हूँ, टांगे तब कांपती हैं जब जब आपकी टांगे कांप रही हैं, आप एक टेलीफोन कॉल पे उठते हैं और जाके आप जनाब वाशिंगटन में लैंड करते हैं, बिल क्लिंटन से जाके मुलाकात करते हैं और कारगिल के महाज से आप जिलाना वापसी अख्तियार करते हैं। आप ये टांगे कांपना होता है और फिर कितने इश्यू हैं जिस पे इनकी टांगे कांपी हैं, जब भी कोई मामला है तो ये किन के पीछे पीछे छुपे हैं। मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन तहरीके इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत का पहले दिन से एक ही माटो और एक ही मंशूर है और एक ही वादा है इमरान खान का कि वो जो इस मुल्क के और इस मुल्क के अवाम के बेहतर मफाद में होगा वो उतना सारा ही करेगा, उससे आगे पीछे कुछ भी नहीं करेगा। क्यों शाजिया, क्या आपकी पार्टी को जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन में इस अमल जो इमरान खान ने किया इंतखाब के दौरान वहाँ पर जाकर? एग्जैक्टली आपकी बात बड़ी पॉइंट वाली है कि ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर जाके वहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं जो रूल्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आप भी बेहतर तौर पर जानते हैं। और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और आवाम को लॉलीपॉप के तौर पर ये सुबह बनाने का शोशा छोड़ा है, आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शोशा छोड़ने में माहिर हैं और वो हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा करते आए हैं जो जिसमें मीडिया में और जिसमें आवाम में खलबली सी मची रहे, क्योंकि असल इश्यूज़ को हटा के असल इशू पे बात करने से हटा के लोगों की जो तवज्जो दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये इमरान खान साहब का तेवर रहा है। तो इस बार भी वो यही कुछ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम जाएंगे इलेक्शन कमीशन और इसको जाके वो करेंगे, डिफेंड करेंगे कि क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह किया जा रहा है और एक एरिया जो बड़ी आबादी वाला एरिया उसको सूबे की उस पर क्यों ज़रूरत महसूस हुई, ऐसा इन्होंने वहाँ जाके ये शोशा क्यों छोड़ा जो असल मसाइल आवाम के हैं उस पर ये नहीं आते, उस पर ये हल करने की बात नहीं करते। गिलगित जीबी का तो खैर मसला है, वहाँ पर तो लोग चाहते हैं ना इख्तियार मिलने उनको, ऑलरेडी उनको इख्तियारात हैं, वो काम हो रहा है वहाँ पे, सब कुछ हो रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी एक गवर्नमेंट काम कर रही थी और मेरे ख्याल में बेहतर तौर पे काम कर रही थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जाके उनके इश्यूज का हल करें, उनके मसाइल को हल करें। ये मसाइल वो तो कहते हैं कि मसाइल के हल के लिए कदम उठाया गया ना, उनको सूबाई स्टेटस देना बजाय इसके वो पेशावर आए, ये इस्लामाबाद आए, ये इधर उधर देखें, वहाँ बैठ कर उनके मसाइल हल हो जाए, तो ये कोई आसानी नहीं होती। बल्कि आपके दौर में भी तो ये
एक कदम उठाया गया था ना। हमारे दौर में कब कदम उठाया गया था? क्या है गिलगित बल्तिस्तान को हमने सूबे की शक्ल देने का नहीं, नहीं, सूबे, दावा सूबे किया की शक्ल नहीं क्या दे, हमने कश्मीर में सूबे की शक्ल देने का दावा नहीं, किया नहीं था? सूबे की नहीं, इख्तियारात देने की मैं बात कर रहा हूँ। तो इख्तियारात आई थिंक वहाँ पे होने चाहिए, और इसलिए कि एक बड़ी आबादी वाला एरिया है, और आपको आप जानते हैं वहाँ पे बेहतर काफी सीटें निकलती हैं, और जिस पे जब आपने खुद कहा कि वहाँ पर वजीर आला भी है, गवर्नर भी है, तो एक तरह का फिर वो अच्छा अनटोल्ड अनटोल्ड तो सीयत हासिल ही थी ना। मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से बेहतर नहीं, तो आप इसको आप इसको अगर डिक्लेयर डिक्लेयर कर दिया गया तो क्या सोचते हैं? ये चीज सरासर आईन की और कानून के खिलाफ वर्जी है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक खराबी है कि ये अनाउंस इमरान खान ने किया है, बस यही इसमें खराबी है। बाकी ये भी चाहते हैं कि लोगों के मसले मसाइल हल हों, वहाँ पे लोगों के मसाइल हल हों, लोगों को वहाँ पे आसानियाँ पैदा हों, ये भी चाहते हैं, लेकिन इमरान खान के हाथ से कोई काम ना हो, बस इनको ये इमरान खान ने आपकी हुकूमत ने पिछले 30 साल में जितने भी आबाद किए हैं ना बाग, मेरी बात सुन ले, आपकी हुकूमत ने पिछले 30 साल में जितने भी बाग आबाद किए हैं, जितनी दूध की नहरें बहाई हैं, जितनी शहद की नहरें बहाई हैं, एक बता दें जो इमरान खान ने बंद की है। आप आम आदमी से जाके खड़े होके तजिया कर ले, मैं तो क्लियर बात कर रही हूं, तो आम आदमी का पैसा, जिसने आम आदमी का पैसा चोरी करके जब आप बाहर ले जाएंगे, जब आवाम को कंगाल करके आप चले जाएंगे, तो फिर आवाम का तो यही हाल होगा। उठा के बद्दुआएं देती है कि हमने तो सोचा था तब्दीली आएगी, जो सबक बाग इमरान खान साहब ने दिखाए थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलान कर दूंगा, मतलब हम भी सोच के रहा था कि ऐसा लीडर ऐसा विजन लेके आ रहा, हो सकता है पाकिस्तान एक अजीब सा, आपने भी उस लीडर के, आपने भी इमरान खान जो आपकी मुखालिफ पार्टी के लीडर हैं, उनके विजन की बात तो कर दी। मैं ये सोच रही थी, पता नहीं ऐसे कौन से तब्दीली आई ला रहे हैं जो हमारे लीडर नहीं ला सके, हम भी सोच रहे थे। आपके लीडर जब इस मुल्क को छोड़ के गए थे, आपका खसारा कितना था? करंट अकाउंट खसारा आपका था 20 अरब डॉलर, आज प्लस में आ गया है। ये बात नहीं करनी बड़ी आसान है, मैंने आपसे बोला आसान है, हम तो फिगर पे बात कर रहे हैं, आप तजिया करके देख ले, सिर्फ आम आदमी रेडी बांध के पास खड़ी हो जाए, आपको वो बंदा तजिया करते हुए नजर आ जाएगा कि हमारे हुक्मरान क्या कहते हैं रेडी बांध। वो ये कहता है कि हम 3 वक्त की रोटी खाते थे, 1 वक्त की रोटी खाने पे वो हो गया, आटा इतना महंगा हो गया, चीनी इस तक महंगी हो गई, जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब जब नोटिस लेते हैं तो उसका रेट माशाल्लाह इधर से इधर से इधर से इधर आ जाता है, अजीब किस्म का नोटिस लेते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती क्या आया, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो सिर्फ सब्ज बाग दिखाता है, ये आवाम के असल इशू पे हकाई को हट के जो हम हर किस्म के गिरबानों पे दूसरों की लीडरशिप के गिरबानों पे तक बस वही बातें क्यों करनी आती है, इसको उसके दिमाग में बस नवाज शरीफ घुस चुके हैं, पीएम इमरान घुस चुकी है, उसके अलावा कोई बात नहीं कर सकता। चलो ठीक है, चलिए मैं आता हूँ अब यासर नजर साहब की तरफ। आपने दोनों मेरे पैनलिस्टों की बात सुनी, पीएमएलएन और पीटीआई के जो नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं, तो इस दौरान में बात जो हुई है वो इमरान खान के ऐलानात, कहते हैं ये ऐलानात ही करते रहते हैं, इवन के नून की जो नुमाइंदा हैं शाजी रफ्तार, उन्होंने कहा कि मैं भी इस लीडर के वीन की मैं भी सोच में पड़ गई थी। तो अब इमरान खान के जो बयान हैं, ऐलानात हैं, या उनका वीन है, अब एक नया वीन सामने आया, मैं चाहूँगा उस पर बात हो जाए। इमरान खान का जो सबसे मजबूत मौकफ था और जिस पर वो बार बार इसरार करते रहे, बार बार उसका ऐलान करते रहे, उसको दोहराते रहे, वो था रियासत मदीना, कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनका अज़्म है, और ये बात एक दफ़ा नहीं कही, इतनी दफ़ा कही कि ज़बानें ज़दो ख़ासे आम हो गई। लेकिन अब उनका हाल ही में एक नया विजन सामने आया, उन्होंने कहा जी कि मैं जो चाइना का निज़ाम है, चीन का निज़ाम, चीन का मॉडल, वो यहाँ पर नाफिज करना चाहता हूँ। तो बतौर एनालिस्ट आप क्या इस पर कमेंट्स करते हैं? एजाजी साहब, अल्लाह करे रियासत मदीना पहले बन जाए। रियासत मदीना से मतलब ये था कि आम बंदा, आप में हम सब लोग खुशहाल हो जाएं, हमें 3 वक्त की जो रोटी है वो मिल जाए, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ सकें। अब सबसे बड़ा मसला जो इन्होंने कमिट किया था कि हेल्थ और एजुकेशन को बेहतर करेंगे। रियासत मदीना की अगर बात की जाए, रियासत मदीना से ये मतलब नहीं कि अब वो उस वक्त की रियासत मदीना और आज के सिस्टम में रियासत मदीना सिर्फ बातों की हद तक, तो प्रैक्टिकल शेप में लाना शायद ही इजाजी साहब बहुत मुश्किल काम। रियासत मदीना का देखिए बुनियादी मकसद यही था जो इसका अल्टीमेट एंड था, कि जो महरूमों की महरूमियाँ ख़त्म हो जाएँ, बाला दस्ता की बाला दस्ती ख़त्म हो जाए, आम बंदे को राइट्स भी मिलें, उसकी भूख भी ख़त्म हो, और वो जो एंड ये था कि लोग देने के लिए निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं मिलता था, सबकी ज़रूरियात पूरी होगी थी रियासत मदीना का। और दूसरा ये था कि हुक्मरान से पूछा जा सके,
खलीफा वक्त से पूछा जा सके कि ये मेरा तो नहीं कुर्ता बना, तेरा कुर्ता कैसा बन गया, यानी कि और हुक्मरान से पूछा जा सके कि तुम इस पुल पर जवाब दोगे या अगले पुल पर जवाब दोगे। तो ये रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट था। तो अब ये आप बतौर तजिया नगार, चूँकि आप तो पार्टी नहीं है, उस रियासत नदीमा का मदीना का जो ख्वाब उन्होंने दिखाया था, क्या उसकी कोई तबीर की हल्की सी झलक नज़र आई? क्या यहाँ से भूख ख़त्म हो गई? क्या हुक्मरान जवाबदेह हो गए अवाम के सामने? क्या अवाम को के दुख दर्द दूर हो गए? क्या अमन व अमान इस तरह हो गया और माशी ज़रूरियात इस तरह की पूरी हो गई कि लोग देने वाले मौजूद हों और लेने वाला कोई ना हो? क्या कहते हैं, पहले तो इस कॉन्सेप्ट की बात करें। सबसे पहले बात वही कर रहे थे जय साहब कि रियासत मदीना, रियासत मदीना से मुराद जो हम आप जो बता रहे हैं एक्सप्लेन कर रहे हैं माजी की, एक कह सकते हैं कि वो एक दुनिया में सबसे बेहतरीन मॉडल था। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल में, जिस तरह खान साहब ने कहा था कि मैं रियासत मदीना की एक बुनियाद कंसेप्ट उस नज़रिए को लेकर आगे चलूँगा, लेकिन बदकिस्मती से ये वही रियासत मदीना जिसका वहाँ उस वक्त नाम लेते हुए लोग इतने खुश होते थे कि ये कोई मदीने का एक मॉडल बनने जा रहा है। अभी देखा आपने, सफर शुरू हुआ है रियासत मदीना की तरफ? साहब अगर कोई 5% भी इस पे अमल दरामद प्रैक्टिकल शेप में हो जाता फिर तो हम कह सकते थे कि कहीं ना कहीं आपको ये बेहतरी की तरफ जाता नजर। सबसे इसमें बुनियादी ये खान साहब की, हम ये नहीं कह रहे कि खान साहब की कमजोरी गलती है, उनकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है, लेकिन जो पूरा सिस्टम है, एक तो ना सिस्टम उनके साथ चल सकता है और ना रियासत मदीना का ख्वाब पूरा, ना ही ख्वाब पूरा होता जी, नजर। जी, आप देखें ये ख्वाब की ताबीर कब मिलती है, लेकिन इस वक्त हम एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं और इसी पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं। टेक ए ब्रेक।